जय हिंद साथियों, मैं हूं लखन राठौर और आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल द बेस्ट फिजिकल एकेडमी धार। दोस्तों, जैसे कि हमें पता है कि हम जब भी आर्मी की ट्रेनिंग करते हैं या आर्मी में हमें जाना होता है तो हम फुल बॉडी को ट्रेन करना होता है। उसी के साथ साथ हमें कहीं ऐसी ट्रिक अपनाना होती है जिसमें हमें रनिंग के बाद में पास होने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। दोस्तों, आज इस वीडियो में आज ऐसी एक ट्रिक बताने वाला हूँ मैं आपको कि हम अगर मान लीजिए भर्ती हो जाते हैं, रनिंग क्वालिफाई कर जाते हैं और हमारा जब चेस्ट नापने का समय होता है दोस्तों, तो क्या होता है कि रनिंग इतनी हार्ड होती है, रनिंग क्लियर करने के बाद हमारे बॉडी की जो एनर्जी होती है वो लूज़ हो जाती है एकदम, और कहीं ना कहीं हमसे चेस्ट फूल नहीं पाता है क्योंकि 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर चेस्ट कम होना बहुत आसान बात है दोस्तों उस समय पर। तो क्या होता है कि आपको क्या करना है कि जब नॉर्मल चेस्ट फुलाने का बोले तो आपको एक ट्रिक लगाना है दोस्तों। जैसे कि देख लो, इसका नॉर्मल चेस्ट अभी आ रहा है 77। अगर ये नॉर्मल ट्रिक से चेस्ट फुलाएगा, जो मैंने अधिकतर बच्चों को देखा है कि नॉर्मल इसी तरीके से फुला के बता, तो ये इस तरीके से फुलाएगा। इस तरीके से फुला रहा दोस्तों, तो भी इसका 78 ही आ रहा है। देख लीजिए आप, इसने इस तरीके से फुला दिया, अब फुला जोर से तो भी 82 आ रहा है दोस्तों। तो आपको क्या ट्रिक करना है कि जब भी आपको चेस्ट ऐसा नॉर्मल अगर नापने का टाइम हो जाए और अगर आपका 77 आ जाता है, तो आपको क्या करना है, चेस्ट को इस तरीके से नहीं फुलाना। बहुत सारे लड़के क्या करते हैं, सांस एकदम फुल कर लेते और ये, तो इस तरीके से नहीं फुलाना दोस्तों। आपको क्या करना है, दोनों शोल्डर को एकदम पीछे करना है ऐसे करके। तो क्या होगा कि ये जो आपका पोजीशन लेना है दोस्तों, ये छोड़ा हो जाएगा और आपका चेस्ट की नपती में आ जाएगा। जिस तरीके से देखो, मैं आपको फिर से बताता हूँ आपको क्या करना है चेस्ट फुलाने के लिए, इस तरीके से। तो आपके जो विंग्स है ना, विंग्स चौड़े होने की वजह से आपका चेस्ट नपती में आ जाएगा। जैसे कि फिर से अभी ये फुल के बताएगा, देखो फुला के बताएगा, मैं आपको बताता हूँ डेमो। देखो क्या करना है, इस तरीके से फुलाना यूं, ठीक है, चेस्ट ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से फुलाने में इसका आ रहा है 83। अगर ये जोर से और दम लगाता है एक बार और जोर से, पूरे विंग्स तोड़ेगा ये, और अच्छा फुला और फुला, इसका 83 आ रहा दोस्तों। अगर ये विंग्स ऐसे छोड़े करता है तो इसके 83 आ रहा। तो दोस्तों, इसके इस ट्रिक को आपको अपनाना है। हो सकता है आपका चेस्ट थोड़ा बहुत कम पड़ रहा हो और उस समय अगर आप ये ट्रिक अपनाते हो तो आप चेस्ट में पास हो सकते हो। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो और इससे कुछ नॉलेज मिला हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो में कमेंट करके बताओ वीडियो कैसी लगी आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।